नमस्कार दोस्तों, मैं मधुरिमा रांची से। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और नवरात्रि के त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। मैं ये वीडियो, मुझे लगता है करीब 2-2.5 महीने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हमारे शहर रांची में हो रही थी, पता नहीं और भी जगह हो रही होगी, पर मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी दोस्तों कि कुछ भी शूट कर पाना बहुत मुश्किल था। बारिश में अक्सर पेड़ पौधों की हालत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत खुश लगते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। बारिश की वजह से कई सारे मेरे पौधे खराब हो गए, गल गए, उनकी बर्बाद भी अच्छी नहीं रही। देखिए, मेरा ये इंट्रेंस है के पास मैंने ये नया एक गेटअप सजाया है, कैसा लग रहा है दोस्तों बताएंगे आप। ये हमारे ईस्ट में पड़ता है, ये हमारे आने जाने का, ये आंगन में आने जाने का एक इंट्रेंस है। उसके बाजू में ही ये हमारी पूजा की खिड़की है और इसके नीचे ये है, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से, देखिए मैंने कुछ इस तरह से अरेंज करके रखा है। ये पिकॉक प्लांटर मैंने अमेज़ॉन ऑनलाइन से ख़रीदा है। इसमें बहुत ही अच्छे सुबह के वक्त ब्लू ब्लू के फ्लावर आते हैं, जो अभी नहीं है, बंद होने के कगार पे हैं। यहाँ इसके नीचे मैंने कुछ कैक्टस वगैरह रखा है। और ये जो बुद्ध की प्रतिमा है दोस्तों, ये मैंने खुद से ही पेंट किया है। ये मिट्टी का था, उसको मैंने पेंट करके कलरफुल बनाया है। उसके कुछ नीचे मैंने कुछ इस तरह से सजा के रखा है, देखिए। वैसे मेरा ये यहाँ जो मैं दिखाई थी वो मेरा मेन एंट्रेंस नहीं है, ये इस साइड में है जो कि आंगन में खुलता है। मेरा मेन एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ साइड में है, बरंडा से खुलता है, मगर वहाँ का सेटअप नहीं है, ये यहाँ पे मैंने सजाया है। देखिए मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। मैं आपको कुछ पौधों के नाम के सहित बताती हूँ। देखिए ये यूका है, उसके बाजू में भी ये, फिर ये यूका है जो बारिश में एक पेड़ के नीचे था, जिससे इसका टिप पॉइंट जो है, ऊपर वाला पॉइंट कुछ गल सा गया है, इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया। ये सफलेरा है, उधर ड्रेसिना है, उधर टेबल कामनी, सीडम, स्नेक प्लांट जो है वो बोने भराटी वाली है, यहाँ ये जेट प्लांट, यहाँ पे देखिए ये स्पाइन प्लांट है, मगर इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने बुद्धा के नीचे एक वर्ली पे अम्ब्रेला पाम लगाया है दोस्तों, कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग सब। उसके सामने फिर ये पेंडानस का पौधा है, पेंडानस का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, अगर ये बूशी हो जाता है, पूरा भर जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ एस्पराइगस ऐसे लगा के रखा है। फिर इस छोटे से यहाँ पे ये पाकड़ का पेड़ है, जिसे मैं बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ। फिर यहाँ ये स्पाइन प्लांट का पौधा है, ये कैक्टस है, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, वहाँ मैंने ये नीम का पौधा लगाया है, उसके पीछे ये पीपल का पौधा है। ये मेरे पिकॉक प्लांटर पे ब्लू डेज लगा हुआ है, यहाँ कुछ सकुलेंट और कैक्टस हैं, यहाँ पे ये ड्रेसिना लगा हुआ है,
दोनों वैरायटी, लाल वाला और ये। फिर यहाँ सफलेरा है, ये नोलिना या पोनीटेल पाम भी इसे कहते हैं दोस्तों। ये बारिश में मेरे सारे जरबेरा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब कुछ कुछ ये ठीक हो रहे हैं। देखिए, फिर इसके पूजा खिड़की के नीचे मैंने कैक्टस और कुछ सकुलेंट लगा के रखे हैं। खिड़की के ऊपर, पूजा खिड़की के ऊपर इंफेविया मिलिक सब की सबसे छोटी वाली वैरायटी है। फिर यहाँ खिड़की पे डेविस बैकपॉन, जेट प्लांट, रिबन ग्रास, होंडू ग्रास, कैक्टस, पेंसिल कैक्टस आदि के पौधे लगा रखा है मैंने। फिर इस वाले हैंगिंग बास्केट पे मैंने ये फर्न लगा के रखा है जो अभी ठीक से ग्रो नहीं हुआ है। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा अब ये गार्डन, मतलब मेरा ये नया जो मैंने सेटअप किया है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये मेरा नया बदलाव पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, हैप्पी।